हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स ऑन सॉलिड एज। सॉलिड एज असेंबली के आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ड्रैग कंपोनेंट कमांड। फ्रेंड्स, ड्रैग कंपोनेंट कमांड की मदद से हमने जो इंसर्ट किए हुए पार्ट्स हैं इनको लीनियरली या फिर रोटेशनली या फिर किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो जब भी हमें पार्ट को एक अपना डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर प्लेस करना है तो उस समय ड्रैग कंपोनेंट की मदद से हम उस पार्ट को लोकेट कर सकते हैं या फिर प्लेस कर सकते हैं। सो लेट अस सी ड्रैग कंपोनेंट की मदद से किस तरह से डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर हम कंपोनेंट को प्लेस कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे पहले एक असेंबली फाइल ओपन करता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा एप्लीकेशन बटन के ऊपर और उसके बाद न्यू पे जाके यहाँ पे ISO मेट्रिक असेंबली फाइल इसको ओपन करूँगा। सो हियर आई हैव ओपन दिस असेंबली विंडो। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और उसका पाथ सेट करने के बाद ये पार्ट लाइब्रेरी यहाँ पे हमें दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा है कि असेंबली विंडो में हम जैसे ही पार्ट को इंसर्ट करते हैं उन पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप असाइन करने के लिए यहाँ पे हमें सॉलिड एज प्रॉम्प्ट करता है। लेकिन अगर से हमें वो रिलेशनशिप यहाँ पे असाइन करने के बजाय फ्रीली अगर से हमें पार्ट को ड्रैग करना है या फिर फ्रीली पार्ट्स को मूव करना है तो उस समय हमें ड्रैग कंपोनेंट जो कमांड है उसका यूज़ होता है। तो ड्रैग कंपोनेंट कमांड की मदद से हम इंसर्ट किए हुए पार्ट को फ्रीली एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन में पार्ट को लीनियरली मूव कर सकते हैं या फिर उस एक्सिस के अराउंड उस पार्ट को हम रोटेट कर सकते हैं या फिर रैंडमली उस पार्ट को हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ड्रैग कंपोनेंट कमांड की मदद से किस तरह से हम इंसर्ट किए हुए पार्ट को मूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जो दो पार्ट्स क्रिएट किए हैं उन दो पार्ट्स को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, ये पार्ट वन और ये पार्ट टू। पार्ट वन को पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद पार्ट टू को इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमें इस तरह से प्रॉम्प्ट किया है सॉलिड एज ने कि वी हैव टू असाइन हियर रिलेशनशिप बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अब मुझे ये रिलेशनशिप असाइन नहीं करनी है तो पहले मुझे यहाँ पे प्रेस करना है एस्केप की। जैसे ही मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, नाउ दीज टू पार्ट्स आर फ्री फ्रॉम असाइनिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अब उसके बाद यहाँ पे होम टैब में इस मॉडिफाई ग्रुप के अंदर ड्रैग कंपोनेंट कमांड है, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक कमांड बार ओपन होता है एनालिसिस ऑप्शन का। अब इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है लोकेट ग्राउंडेड कंपोनेंट्स। आपके जो भी ग्राउंडेड कंपोनेंट्स हैं उनको लोकेट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एनालाइज, दो टाइप्स के एनालाइज यहाँ पे हैं, एनालाइज ऑफ एक्टिव पार्ट ओनली और एनालाइज ऑफ बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव पार्ट्स। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एक्टिव पार्ट्स ओनली या फिर बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव पार्ट इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कोलिजन ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन है, डिटेक्ट कोलिजन इनकाउंटर्ड बाय सिलेक्टेड पार्ट्स और सब असेंबली ओनली। दूसरा ऑप्शन है डिटेक्ट कोलिजन अमंग ऑल एनालाइज्ड पार्ट और सब असेंबलीज ओनली। तो यहाँ पे आपका जो भी डिजायर्ड या फिर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ऑप्शन शो एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस, तो दो पार्ट्स हम
यहाँ पे जब जैसे ही ट्रैक करते हैं तो उनके बीच में जो भी एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस है उनको शो करने के लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद नीचे वाले दो ऑप्शंस ये इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला है साउंड वार्निंग व्हेन कोलिजन ऑकर्स। तो जैसे ही दो पार्ट्स मेट होते हैं या फिर कोलाइड होते हैं तो उसमें यहाँ पे हमें साउंड वार्निंग अगर से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मिलेगा। और दूसरा है स्टॉप मूवमेंट व्हेन कोलिजन ऑकर्स। तो जैसे ही दो पार्ट्स के बीच में कोलिजन होता है उनके बीच में जो भी मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ओके पे क्लिक करूँगा। ये इसके बीच में कोई भी समय हम ये एनालिसिस ऑप्शन जो है इसको ओपन करके इनको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तीन ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, नो एनालिसिस, डिटेक्ट कोलिजन और फिजिकल मोशन। तो अगर से आपको किसी भी तरह का एनालिसिस नहीं करना है तो ये ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोलिजन डिटेक्ट करना है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर फिजिकल मोशन के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मुझे इस कंपोनेंट को यहाँ पे ट्रैक करना है तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हैंड का आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा और माउस का लेफ्ट की जो है उसको क्लिक करके जैसे ही मैं मेरा माउस मूव करता हूँ तो उसके साथ ये कंपोनेंट ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। अब मैं समझो यहाँ पे कंपोनेंट को यहाँ पे लेके आया, नो एनालिसिस यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे किसी भी तरह का एनालिसिस यहाँ पे नहीं हो रहा है। इवन दो इनका इंटरफेसिंग हो चुका है लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पे वार्निंग या फिर मैसेज यहाँ पे आया नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पे समझो डिटेक्ट कोलिजन इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इमीडिएटली यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट हो चुका है। ये पार्ट और ये वाले ये दोनों पार्ट के बीच में कोलिजन हुआ है। ये यहाँ पे ये जो कलर चेंज हुआ है इस ये हमें ये मैसेज दे रहा है। अब समझो इस पार्ट को मैं यहाँ पे यहाँ से मूव करता हूँ अब डिटेक्ट कोलिजन में मैं डिटेक्ट कोलिजन ये ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर से इसको मूव करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट किया है कि स्टॉप मूवमेंट व्हेन कोलिजन ऑकर्स। तो उसकी वजह से यहाँ पे जैसे ही कोलिजन होता है तो ये मूवमेंट ये स्टॉप होता है और यहाँ पे एक साउंड वार्निंग भी हमें यहाँ पे सुनाई देता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन है। फिजिकल मोशन ये इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। नो एनालिसिस इसका मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का एनालिसिस नहीं होगा। डिटेक्ट कोलिजन अगर से मैं इसके सिलेक्ट करता हूँ तो जहाँ जब भी कोलिजन होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रीसेट ऑप्शन है तो इसके ऊपर अगर से मैं क्लिक करता हूँ तो एवरीथिंग विल गेट रीसेट। उसके बाद ये मूवमेंट के लिए तीन ऑप्शन है। लीनियर मूवमेंट के लिए ये है जो भी तीन एक्सेस है उसको पैरेलल अगर से मूवमेंट मुझे करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। रोटेट करने के लिए ये ऑप्शन है और फ्रीली मूवमेंट के लिए ये ऑप्शन है। तो वन बाय वन अब यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन हम देखेंगे। अब मुझे लीनियरली समझो किसी भी एक्सिस को पैरेलल मूवमेंट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है ये यहाँ पे हाईलाइट होते हैं या फिर एक्टिवेट होते हैं। समझो मुझे एक्स एक्सिस को पैरेलल मूवमेंट करना है तो एक्स एक्सिस को मैं यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रीन कलर हो जाएगा तो इसको ये कंपोनेंट को पकड़ के जैसे ही मैं मेरा माउस मूव करता हूँ माउस कहाँ पे भी मैं मूव करूँ लेकिन ये सिर्फ एक्स एक्सिस को पैरेलल ये मूव करेगा। इसके कांटेक्ट में जैसे ही मैं लेके आता हूँ मूवमेंट स्टॉप होता है। उसके बाद समझो मुझे मूवमेंट वाई एक्सिस को पैरेलल करना है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब कंपोनेंट को पकड़ के जैसे ही मैं माउस ट्रैक करता हूँ
ये सिर्फ वाई एक्सिस को पैरेलल मूव करेगा और उसी तरह से जेड एक्सिस को ये पैरेलली मूव करेगा। उसी तरह से किसी भी एक्सिस के अराउंड अगर से मुझे इसको रोटेट करना है ये कंपोनेंट को, तो इसके लिए ये ऑप्शन है ड्रैग कंपोनेंट रोटेट। समझो मुझे अभी जेड एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करना है, तो मैंने ये जेड एक्सिस को सिलेक्ट किया है। जैसे ही मैं मेरा माउस मूव करता हूँ तो ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट हो जाएगा। उसी तरह से एक्स एक्सिस के अराउंड अगर से मुझे रोटेट करना है तो एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करो और माउस का लेफ्ट की होल्ड करके माउस को मूव करो, तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है फ्री फॉर्म मूव। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कोई भी डायरेक्शन में ये मूव हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तीसरा एक ऑप्शन यहाँ पे है फिजिकल मोशन। तो अगर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये रैंडमली रोटेट भी हो जाएगा और लीनियरली मूव भी करेगा, तो ये तीसरा एक ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, अब मैं ट्रैक कंपोनेंट कमांड की मदद से इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, इस प्लेस पे उसको बिठाऊँगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ट्रैक कंपोनेंट कमांड, और उसके बाद मैं पहले लीनियरली इसको मूव करूँगा, तो ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद इसको पकड़ के एक्स एक्सिस को पैरेलल पहले यहाँ पे मूव करूँगा। और उसके बाद मैं इसको वाई एक्सिस को पैरेलल यहाँ पे मूव करूँगा। साइड व्यू से मैं यहाँ पे व्यू करूँगा तो यहाँ पे क्लियरली हमें ये व्यू दिखाई देगा। उसके बाद जेड एक्सिस को पैरेलल, अब यहाँ पे मैं थोड़ा कोलिजन हो रहा है या नहीं इसको भी हम चेक करेंगे। तो दियर इज अ कोलिजन, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ और एक्स एक्सिस को पैरेलल थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ, और फिर से मैं ये ऑप्शन देता हूँ डिटेक्ट कोलिजन। सो नाउ देयर इज नो कोलिजन इन बिटवीन दीज टू पार्ट्स। अब मैं इसको प्रॉपरली प्लेस करूँगा, तो मैं यहाँ पे जेड एक्सिस को पैरेलल इसको मूव कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं उसको लेके आया, और उसके बाद एक्स एक्सिस को पैरेलल। तो ऑलरेडी ये सो फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैंने यहाँ पे ड्रैग कंपोनेंट कमांड की मदद से इस ऑब्जेक्ट को, ये पार्ट को इस स्लॉट के अंदर यहाँ पे प्लेस किया है। इसमें इन दो पार्ट्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे यूज नहीं किया है, सिर्फ ड्रैग कंपोनेंट कमांड की मदद से यहाँ पे प्लेस किया है। सो फ्रेंड्स, कीप इन माइंड दैट ये ड्रैग कंपोनेंट कमांड की मदद से हम जो हमारा प्रॉपर प्लेस है उसके ऊपर पार्ट को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप यहाँ पे हमने किसी भी तरह का असाइन नहीं किया है। सो दो पार्ट्स के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप यहाँ पे असाइन करने के लिए ये जो भी असेंबल के रिलेशनशिप है यहाँ पे, इनको हमें बाद में यूज करना है। लेकिन दो पार्ट्स को इंसर्ट करने के बाद पहले हमें ट्रैक कंपोनेंट कमांड की मदद से
प्रॉपर प्लेस के ऊपर वो दो पार्ट्स को प्लेस करना है और उसके बाद ये रिलेशनशिप उनको असाइन करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर से हमें यहाँ पे रिलेशनशिप कोई मेंटेन नहीं करनी है, फ्रीली कंपोनेंट को लीनियरली या फिर रोटेशनली मूव करना है, तो उसके लिए ड्रैग कंपोनेंट कमांड की मदद से हम पार्ट को हमारा जो डिजायर्ड पोजीशन है उस पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे आज के वीडियो में हमने ड्रैग कंपोनेंट, जो असेंबली का इम्पॉर्टेंट कमांड है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑफ अवर न्यू अपलोडेड वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। थैंक यू।